उसमें हौसला किसानों का ना टूटे, उसी की तेजी उसमें और लड़ने के लिए आज कैथल के अंदर 5 सितंबर को कहाँ पे है मीटिंग? 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश में। सीएम साहब कह रहे हैं कि और सख्ताई जो है वो बरती जाएगी अगर किसान जो है इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आएंगे, इस तरह के बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। हमने खुली छूट दे रखी है कि जो आप सख्ताई बरत सकते हो बरत लेना, कसर मत गुजारना। सिर भी काटने हैं तो काट लेना, हम कटवाएंगे। जो वो कर सकते हैं वो करें, जेड़ों में डालना है जेड़े खोले हम आएंगे, लेकिन इस देश को बिकने नहीं देंगे, यहाँ की जमीन को बिकने नहीं देंगे, यहाँ की खेती कारपोरेट को बिकने नहीं देंगे। हम मर जाएंगे लेकिन इस जुल्म को, इस देश को बिकने नहीं देंगे। करनाल में जो लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर जिस तरह बर्बरता वहाँ बरती गई है, क्या मानते हैं कि इस तरह का जो ये इंसानियत नहीं है, कसाईपना है, बैठे हुए लोगों के ऊपर, बैठे हुए उन देशभक्तों के ऊपर जो देश को बचाने के लिए बैठे हैं। अरे हमारी खेती कारपोरेट को दे रहे हैं यार, देश बचेगा कैसे, लोग खाएंगे क्या? जो वो जिस रेट मर्जी बेचेंगे, क्या 200 रुपये किलो की दाल लेके हमारे लोग खा पाएंगे, क्या 100 रुपये किलो का आटा लेके हमारे लोग खा पाएंगे? अभी 25 रुपये खरीद रहे हैं सेब और 200 रुपये किलो बेच रहे हैं, 260 रुपये किलो बेच रहे हैं अडानी जैसे लोग, खा पाएंगे क्या यहाँ के लोग? इन्होंने हमारे से 8 रुपये प्याज खरीदा, 80 रुपये खाने वाले को बेचा है, खा पाएंगे क्या लोग? कौन से देश में जी रहे हैं हम? देश का क्या बनाना चाहते हैं? किसको प्रॉपर्टी देनी चाहते हैं सारे देश की? एक आदमी यहाँ 35 रुपये में गुजारा कर रहा है, दूसरे आदमी के पास यहाँ 2150 रुपये 2150 करोड़ कितने की आमदन है उसकी, अगर उसके देश को बचाएगा कौन? किसका देश है? उन्होंने आजाद कराया था देश को, उन्होंने कोई काम किया था देश के लिए? इन RSS वालों ने देश की आजादी में कोई रोल नहीं, अंबानी अडानी का देश की आजादी में कोई रोल नहीं, जिन्होंने अपने बच्चे मरवाए हैं देश की आजादी में, जिन्होंने देश को आजाद रखने के लिए सैकड़ों शहीदियां दी हैं, उस देश को बेच रहे हैं ये, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं लोग। चटुंग जी, डिप्टी CM कार्रवाई की बात करें, वही CM उसको नकार रहे हैं, क्या कहां देखते हैं आप इस बात को SDM के खिलाफ? ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्रूर सरकार है ये और हठधर्मी सरकार है, देश को बर्बाद करेगी ये सरकार, लोगों ने बड़ी भारी चूक कर दी है इनको बना के। 85 जो किसान है उन पे पर्चा दर्ज किया गया, उसके बारे में देखिए, पर्चा तो 40,000 किसानों पे दर्ज हो चुका है अभी तक, लेकिन इनके पर्चों से हम नहीं डरेंगे, ये बताएं कितनी जेल है इनके पास, हम आएंगे जेल में इनकी। 9 महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है बॉर्डर पर बैठे, दिल्ली के बॉर्डर पर 650 किसान भी मर गए हैं बॉर्डरों पे बैठे बैठे, अभी तक इनको तरस नहीं आया है, कसाई हुए हैं ये लोग, एक किसान की पीट पीट के हत्या कर दी इन लोगों ने। क्या आगे की क्या कानूनी व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ, एक किसान की मौत हो गई, उस कानूनी व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे जबकि किसानों पर पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, ये जैसे कहावत है ना, तपो राज राजो नरक, वो चीज है, जब आदमी सत्ता में आता है तो वो भूल जाता है, इंसानियत को भूल जाता है, और ये भूल गए हैं लोग। गिरफ्तारी जब हो जाती है किसानों की, उसके बाद थानों में चौक चौराहे जो है वो जाम कर दिए, थानों को में देखिए, लेकिन कानून जो है लागू किए गए वो वापिस नहीं हुए। हम इनकी ना तो किसी तरह की गिरफ्तारी से डरेंगे, ना इनके मुकदमों से डरेंगे, ना इनकी लाठियों से डरेंगे, जो इनको करना है करें, ये और अगर क्रूरता बरतना चाहते हैं तो वो भी बरत के देख लें। क्या कार्यक्रम है इस कार्यक्रम का? देखिए महापंचायत में तो अभी 5 तारीख की है, और उसके बाद जो आंदोलन है वो लगातार, जैसे संयुक्त मोर्चे का में फैसले होते रहेंगे, आंदोलन आगे बढ़ेगा।